हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन कोलंबा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम किस में देख रहे थे? हम देख रहे थे कोलंबा लीविया में, जिसको हमने कबूतर बोलते हैं, जो पैसेंजर कबूतर का काम करता था। पैसेंजर तो वो तो वैसे अभी एक्सटिंक्ट हो गया, तो अभी जो नॉर्मली हम कबूतर देखते हैं उसको कोलंबा लीविया बोला जाता है। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देख ली थी इसकी, वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू। आज हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैं डायग्राम बताने से पहले आपको जनरली आइडिया दे देती हूँ कि किस प्रकार से होता है। एवीज के अंदर और मैमल्स के अंदर, जैसा मतलब हमारे अंदर हार्ट होता है वैसा का वैसा ही जो एवीज होते हैं, एवीज के अंदर भी वैसा ही हार्ट पाया जाता है। इनके अंदर हार्ट कैसा होता है? फोर चैम्बर। लेकिन जब हमने इनका वेंट्रल व्यू देखा था, मतलब जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी थी, तो हमें कैसा दिख रहा था? वो थ्री चैम्बर, वेंट्रिकल जो था वो हमें डिवाइडेड नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमें कंप्लीटली फोर चैम्बर शो होता है। कैसा शो होता है? कंप्लीटली फोर चैम्बर हमें शो होता है, फोर चैम्बर शो होता है, जिसमें क्या होगा? दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। ये चीज हमने देख ली थी, दो ऑरिकल एंड दो वेंट्रिकल दिखाई देते हैं। पहले हम इनके स्ट्रक्चर की बात डायग्राम के थ्रू बाद में करेंगे, पहले हम जनरली समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑरिकल की। पहले हम किसकी बात करते हैं? ऑरिकल की। तो ऑरिकल जो होता है ये दो होते हैं, एक होता है राइट ऑरिकल, दूसरा होता है लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल और दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, कल हमने केवल इनको बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा था। हम बात करते हैं अगर राइट ऑरिकल की और लेफ्ट ऑरिकल की, तो दोनों ऑरिकल जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। किसके द्वारा? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट रहते हैं। ठीक है, इसी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के अंदर, इसके अंदर एक ओव्यूल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? ओव्यूल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ओवल स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है फोसा ओवेलिस। इसका नाम क्या होता है? फोसा ओवेलिस। ये कहाँ पर देखने को मिलती है? जहाँ पर दोनों ऑरिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के वहाँ पर। ठीक है, ये क्या करते हैं? एम्ब्रियो के फोरमन ओवल की पोजिशन को बताता है। किसको शो करता है ये फोसा ओवेलिस? एम्ब्रियो के फोरमन ओवल के पोजीशन को। ये किसको शो करेगा? शो पोजीशन ऑफ फोरामन ओवेलिस। किसकी ये होती है? ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की। ठीक है, इसकी वजह से हमें ये फोसा ओवेलिस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके राइट ऑरिकल की, तो राइट वाला ऑरिकल जो होता है, राइट वाला ऑरिकल ये कैसा होता है? ये बड़ा होता है कंपेयर देन लेफ्ट। लेफ्ट वाले ऑरिकल से क्या होता है? ये बड़ा होता है। साइज में हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा? लार्ज। और लेफ्ट ऑरिकल की बात करें तो ये साइज में कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इसकी जो वॉल होती है, इसकी वॉल में तीन पोर्स पाए जाते हैं। वॉल है थ्री पोर्स, तीन छिद्र पाए जाते हैं। अब ये तीन छिद्र कौन से होते हैं? इसकी वजह से ये जो कैवल्स होती, कैवल्स मतलब जो वेना केवा जो हम बोलते हैं ना, तो वो वेना केवा, तो जो कैवल्स होती है वो कैवल्स इन तीनों पोर से आकर के खुलती है। तो ये तीन पोर किससे होते हैं? तो कल हमने स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें एक था राइट प्री केवल, राइट प्री केवल, एक थे लेफ्ट प्री केवल,
और एक था पोस्ट प्री के सॉरी पोस्ट केवल, ठीक है। तो ये तीनों जो केवल्स होती, ये तीनों आकर के किसमें खुलेगी, राइट ऑरिकल में। ये तीनों आकर के किसमें खुलेगी, राइट ऑरिकल में, ओपन इनटू राइट ऑरिकल, ठीक है। ये तीनों किसमें खुल रही है, ये तीनों ही खुल रही है राइट ऑरिकल के अंदर आकर के खुलती है, ठीक है। जो पोस्ट वाली जो कैवल होती है, पोस्ट वाली कैवल के ऊपर एक वॉल्व पाया जाता है। ये जो पोस्ट कैवल है, इसके वहां पर क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व का नाम होता है यूस्टेचियन वॉल्व। क्या नाम होता है इसका, यूस्टेचियन वॉल्व। सिर्फ ये कहां पर पाया जाएगा, पोस्ट कैवल के वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट वाला जो ऑरिकल होता है, इसकी साइज स्मॉल होती है कंपेयर देन राइट ऑरिकल, ठीक है। और इसके वहां पर क्या खुलता है, इसके वॉल में आकर के केवल एक ही स्ट्रक्चर खुलती है। वॉल है ओनली वन पोर, वन पोर। इसके वॉल में केवल एक ही छिद्र पाया जाता है, इसकी पृष्ठ भित्ति वॉल भी, हम डॉर्सल साइड वाली वॉल को कंसिडर कर रहे हैं, जिसके द्वारा इसमें क्या खुलती है, इसके अंदर खुलती है पल्मोनरी वेन। क्या खुलेगी इसमें, पल्मोनरी वेन ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली ऑरिकल की, हमने देख लिया कि जो कल हम तीनों केवल्स की बात कर रहे थे, वो खुल रही थी राइट ऑरिकल के अंदर, जो लेफ्ट वाली जो है उसके अंदर पल्मोनरी वेन आकर के खुलती है। अब ये तो हो गया इसका फ्रंट वाला साइड। अब हम बात करते हैं इसके पीछे वाले पोस्टीरियर पार्ट की। अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं अब इसके पोस्टीरियर पार्ट की। एंटीरियर पार्ट की हमने बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही हम देख रहे हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट की बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है वेंट्रिकल। क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल भी कैसे होता है, दो होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है वेंट्रिकल की वॉल। और इसमें भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। दो वेंट्रिकल हमें दिखाई देते हैं, ये दोनों आपस में किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसके अंदर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर जस्ट ऑपोजिट होता है, जो राइट वाला जो वेंट्रिकल होता है, राइट वाला वेंट्रिकल यहां पर क्या होता है, यहां पर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की तुलना में छोटा होता है। क्या हो जाएगा, या फिर हम बात करते हैं इनकी साइज की, तो राइट वेंट्रिकल की हम बात करें पहले, तो इसकी जो साइज होती है वो साइज कैसी हो जाएगी, स्मॉल। जबकि हमने ऑरिकल के अंदर क्या देखा था, लाइट वाला बड़ा होता है। और दूसरे लेफ्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, लार्ज। ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के अंदर हमें ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेमी लूनार वॉल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, इसके अंदर सेमी लूनार वॉल्स। लेकिन सेमी लूनार वॉल्स कैसे पाए जाते हैं वो हम यहां देखेंगे। सपोज कि हम बात करते हैं, ये जैसे कि हार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या, फोर चैम्बर बने हुए हैं, हम बात करते हैं इसके अंदर फोर चैम्बर बने हुए हैं। फोर चैम्बर कैसे, ऊपर की तरफ ऑरिकल, ऑरिकल हल्का सा क्या हो जाएगा, ये राइट वाला ऑरिकल, ये लेफ्ट वाला ऑरिकल, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ऐसे,
ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल और ये राइट वाला वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल क्या है, बड़ा है, जबकि सॉरी ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो गया, राइट वाले से बड़ा हो गया। अब ये जो राइट वाला ऑरिकल होता है, ये राइट वाला ऑरिकल आखिर के किस में खुलेगा, ये खुलता है लेफ्ट वाले, सॉरी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वाले ऑरिकल की, तो लेफ्ट वाला ऑरिकल जो होगा वो आकर के खुलेगा लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पर जब ये खुलता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वॉल पाया जाता है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल, कौन सा होता है, बाइकप्सिड, या फिर इसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। मिट्रल क्या है, साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको खोजा था, उसी के नाम पे हम इसको मिट्रल वॉल या फिर बाइकप्सिड, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये कहां पर पाई जाती है, लेफ्ट इसके अंदर पाई जाती है। ये तो हो गई वॉल्व की बात, यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये एपरेचर बना हुआ है, इस एपरेचर के चारों ओर क्या पाया जाएगा, वॉल्व। तो इस एपरेचर को हम बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकुलो, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ठीक है, एपरेचर, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ऑरिकल राइट वाले वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वाला ऑरिकल लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर के द्वारा खुलता है और इसके चारों ओर एक वॉल्व पाया जाता है जो क्या करता है, इस वॉल्व का क्या क्या होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो, ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी वॉल्व होंगे वो वहाँ पर बैक फ्लो को रोकने का काम करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा वॉल्व होता है, बाइकप्सिड या फिर मिट्रल वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं राइट ऑरिकल जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट ऑरिकल क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर खुलेगा। तो राइट ऑरिकल जब राइट वेंट्रिकल के अंदर खुलता है तो यहाँ पर जो वॉल्व होता है, यहाँ पर वो वॉल्व ट्राइकप्सिड होता है ऐसा, ठीक है। तीन लेयर दिख रही है इसमें, दो ही लेयर दिख रही है। तो ये जो वॉल्व होता है ये कौन सा होता है, ये होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, ट्राइकप्सिड वॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होता है, तो बाइकप्सिड होगा। चाहे हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो भी हमारे अंदर भी ये बाइकप्सिड ही होगा, और एविस की बात करें तो भी इनके अंदर भी बाइकप्सिड होगा। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होगा, ट्राइकप्सिड वॉल्व। और ये किसके द्वारा खुलता है, ये एपरेचर के द्वारा खुलता है, इस एपरेचर का नाम क्या होता है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ठीक है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर क्यों, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहा, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ रहा, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं, कौन सी साइड में उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो राइट वाला राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर के द्वारा खुलता है, और यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर ट्राइकप्सिड वॉल्व हमें देखने को मिलता है, और लेफ्ट वाले के अंदर हमें बाइकप्सिड वॉल्व देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या देखा था कि जो राइट वाला ऑरिकल है उस राइट वाले ऑरिकल के अंदर क्या आकर के खुल रहा था, तो राइट वाले ऑरिकल के अंदर यहाँ पर तीन ट्यूब आकर के खुल रही थी, एक इस साइड और एक यहाँ पर इस साइड, ठीक है। तीनों के तीनों राइट के अंदर ही खुल रही थी। ये क्या थी, राइट प्री केवल थी, ये लेफ्ट प्री केवल, लेफ्ट प्री केवल ऐसा नहीं कि लेफ्ट ऑरिकल में खुल रही है, राइट में ही खुल रही है, बट इट इज सिचुएटेड ऑन द पोजिशन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, के लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिकल, नॉट लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिकल के यहाँ पर ये सिचुएटेड है, सो वी कॉल्ड इट लेफ्ट प्री केवल। और ये नीचे की तरफ है तो ये क्या हो गई, पोस्ट केवल, ठीक है, ये जी। फिर हमने देखा था लेफ्ट वाले के अंदर, तो लेफ्ट वाले के अंदर आकर के क्या खुलती थी, लेफ्ट वाले के अंदर यहाँ पर यहाँ वॉल के पास में यहाँ पे खुलती है, वो थी पल्मोनरी वेन, क्या होती है, पल्मोनरी वेन खुलती है। और फिर ये जो वेंट्रिकल होता है, इस वेंट्रिकल से क्या होता है, वेंट्रिकल से केवल दो आर्क निकली होती है,
ठीक है, राइट वाले से जो निकलेगी वो तो होगी सिस्टमिक आर्क, और लेफ्ट वाले से होगी वो होगी पल्मोनरी आर्क। कौन सी आर्क होगी? यहां से तो जो वेंट्रिकल वाला होता है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, जो ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है यहां से एक आर्क निकली होती है। बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना, तो यहां पर क्या निकली होगी? आर्क। ठीक है, ये आर्क मतलब जिसको हम अरोटा भी बोल सकते हैं। तो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है इससे जो ये आर्क निकली हुई, मतलब ये जो पाइप निकला हुआ है यहां पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट सिस्टमिक आर्क। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट सिस्टमिक आर्क हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये जब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जब राइट वाले राइट सिस्टमिक आर्क के अंदर खुलता है, तो यहां पर तीन वॉल पाए जाते हैं, एक दो तीन। ये कैसा होता है? सेमी लूनार वॉल होता है। क्या पाए जाते हैं यहां पर? थ्री सेमी लूनार वॉल पाए जाते हैं, सेमी लूनार वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं राइट वाले वेंट्रिकल की, तो राइट वाले वेंट्रिकल से यहां से भी क्या होती है, यहां से भी ऊपर की तरफ आर्क निकली होती है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क। क्या बोलेंगे हम इसको? पल्मोनरी आर्क बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, इन दोनों वेंट्रिकल्स के यहां पर मतलब अंदर वॉल की साइड में यहां पर क्या पाए जाते हैं? यहां पर कॉलुमिना कार्नी पाए जाते हैं। जैसे ये वॉल्स होती है, तो वॉल्स में यहाँ ऐसे साइड साइड में, ये ऐसे साइड साइड में, ठीक है, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है दोनों ही वेंट्रिकल्स के, ये ऐसी ऐसी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉलुमिने कार्नी, कॉलुमिने कार्नी। अब ये जो दोनों आर्क निकल रही है, इन आर्क का क्या काम होगा? सेम जैसे हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है वैसे ही सिस्टमिक आर्क होगा। तो ये कहां पर लेके जाएगी ब्लड को? ये बॉडी तक लेके जाएगी ब्लड को। ये कहां पर लेके जाती है? बॉडी तक ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, और पल्मोनरी वाली जो होगी ये कहां तक जाएंगी? ये जाएगी लंग्स तक। कहां तक जाएगी? लंग्स तक ये जाती है। ये जाकर के पल्मोनरी आर्क वापस राइट लंग्स और लेफ्ट लंग के अंदर डिवाइडेड हो जाएगी, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाने का काम करती है। यहां से जो ये ब्लड लेके जाएगी वो कौन सी होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यहां पे जो आ रहा है वो कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्क आगे कौन कौन से पार्ट तक जाती है, किस प्रकार से ये डॉर्सल अरोटा बनाता है, किस प्रकार से बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड, वो हम किसके अंदर देखेंगे? वो हम देखेंगे अरोटिक सिस्टम के अंदर। तो ये हार्ट का मैंने एक जनरल विजुअलाइजेशन आपको बता दिया कि हार्ट किस प्रकार से कहाँ पर किस साइड में स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। अब हम इसके अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हार्ट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? हमें इस प्रकार के हार्ट की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये। ठीक है, कोलम्बा लिविया के अंदर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखो, इसमें स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्लियर दिख रहा है। ये वाला कौन सा है? ये वाला है राइट ओरिकल। ये वाला कौन सा है? ये वाला हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेफ्ट ओरिकल। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया? लेफ्ट ओरिकल। इस साइड कौन सा हो गया? राइट ओरिकल। दिख रहा हमें साइड से ही पता चल रहा है कि राइट वाला ओरिकल जो है वो क्या थोड़ा सा बड़ा है। इधर हम नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ ये हमें लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा? ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कैसा है? छोटा है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स इसके अंदर जो ब्लड लाने का काम, तो देखो ये जो राइट ओरिकल है, राइट ओरिकल के अंदर क्या क्या है यहाँ पर ये देखो, ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल की हो रही है, मतलब पोस्ट कैवल भी कहाँ आकर के खुलेगी? राइट ओरिकल के अंदर खुलेगी। ओपनिंग ऑफ राइट प्री कैवल की हम बात करें तो ये भी, ये देखो ये एक पोर हो गया, ये दूसरा पोर हो गया, इसी के यहाँ पर क्या पाया गया? ये नीचे की तरफ ये वॉल पाया जाए। हमने बोला था पोस्ट कैवल के वहीं पर वॉल होता है जिसको यूस्ट्रेल वॉल कहते हैं, तो ये वॉल यहाँ पर पाया जा रहा है। और तीसरा ये यहाँ पर, ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या? लेफ्ट वाली जो
प्री कैवल होगी वो, ये जो पीछे से ये जो प्री कैवल आ रही है ये वाली भी कहाँ पर, ये यहाँ पर आकर के खुलती है, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है, ये लेफ्ट वाली प्री कैवल ऑरिकल में आकर के खुल रही है। फिर हम बात करते हैं कि लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले के अंदर क्या है, लेफ्ट वाले के अंदर हमें पल्मोनरी वेन दिख रही थी, ये वाली पल्मोनरी वेन, केवल एक ही स्ट्रक्चर खुल रही थी, ये वाली कौन सी है, ये है पल्मोनरी वेन की। फिर हमने देखा कि जो राइट वाला ऑरिकल है वो लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर खुलेगा, किसमें खुलेगा, राइट वाला ऑरिकल, सॉरी राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर ही खुलेगा, ये राइट ऑरिकल किसमें खुलेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ही खुलेगा। तो ये जब यहाँ पर खुलता है, तो ये खुलता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा वॉल पाया जा रहा है, यहाँ पर ट्राइकप्सिड वॉल पाया जा रहा है। हमने देखा था लेफ्ट साइड में कौन सा है, ट्राइकप्सिड वॉल्व है, ठीक है, इसको हम राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ये एपरेचर बना हुआ है, एपरेचर होगा, एपरेचर के नीचे की तरफ ये वॉल्व पाया जा रहा है, ठीक है, ये एपरेचर, एपरेचर के नीचे की तरफ क्या है, वॉल्व है। तो इस एपरेचर को हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर। ये पोस्ट कैवल दिख रही है, पोस्ट कैवल यहाँ पर आकर के खुलेगी, ओके, ठीक है, पोस्ट कैवल ये साइड में नहीं है, ये खुल कहाँ रही है, राइट ऑरिकल के अंदर। तो ब्लड कहाँ से कहाँ आएगा, ब्लड आएगा इस राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, कौन से वॉल्व के थ्रू, ट्राइकप्सिड वॉल्व के थ्रू। फिर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वाले के अंदर भी, तो लेफ्ट वाले ऑरिकल से भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पाया जा रहा है बाइकप्सिड वॉल्व, कौन सा वॉल्व है ये, बाइकप्सिड में वॉल्व देखने को मिल रहा है, ये वाली, ये बाइकप्सिड वॉल्व, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ पर आ रहा है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, ओके, बाइकप्सिड वॉल्व से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। फिर अब क्या होगा, हमने बात की थी ये वाला लेफ्ट, इससे हमें क्या दिखाई दे रहा था, इससे निकलती है सिस्टमिक आर्क, इससे कौन सी निकलती है, इससे निकलती है सिस्टमिक आर्क निकलती है, ठीक है, और इससे कौन सी निकलेगी, इससे निकलेगी पल्मोनरी आर्क। यहाँ पर ये देखो, ये जब पल्मोनरी आर्क में खुलेगा तो यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, यहाँ सेमी लूनार वॉल्व भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर सेमी लूनार वॉल्व पाए जाएंगे। अब इसके अंदर ये किस प्रकार से खुल रही है वो तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ऊपर की तरफ बात करते हैं कि ऊपर की तरफ कैसे खुल रही है। तो ये देखो, ये वेंट्रिकल जो है, ये वेंट्रिकल ये ऊपर की तरफ ये खुल रहा है ऐसे, ये ऊपर की तरफ ये वेंट्रिकल ये खुल रहा है, ठीक है, ये वेंट्रिकल खुल रहा है, तो यहाँ पर ये सेमिलूनार वॉल्व पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं, ये सेमिलूनार वॉल्व पल्मोनरी अरोटा में खुल रहा है, किसमें खुल रहा है, ये पल्मोनरी अरोटा। तो मैंने बात की थी कि राइट वाला वेंट्रिकल होगा वो किसमें खुलेगा, पल्मोनरी अरोटा में, ये पल्मोनरी अरोटा ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये दो में वापस डिवाइड हो जा रही है, लंग्स में जाएगी लेफ्ट लंग्स और राइट लंग के अंदर। और इधर से हम देखें तो लेफ्ट वाले पार्ट से यहाँ से ये देखो, ये बीच में वॉल दिख रहा है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, और ये यहाँ से ये इस तरह से जा रही है, तो ये वाली हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी सिस्टमिक आर्क, ये वाली कौन सी हो गई, ये सिस्टमिक आर्क। ये सिस्टमिक आर्क आगे जाकर के डिवाइड होगी किस किस में, देखो इनोमिनेट आर्टरीज ये बना रही है, कॉर्कॉइड आर्टरीज ये बनाएगी, इसके अलावा भी ये आगे जाकर के और भी आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है, ये इनोमिनेट दो हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल वाली। तो ये इनोमिनेट आर्टरीज और ये कौन कौन सी आर्टरीज, कॉर्कॉइड आर्टरीज कहाँ जा रही है, ये सब हम कहाँ देखेंगे, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमने उस एनालॉजी के थ्रू इसके हार्ट के स्ट्रक्चर को देख लिया कि कौन सा कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ये जो जा रही है ये क्या है, ये सिस्टमिक आर्क है, ये वाली। तो इनोमिनेट आर्टरीज बना रही है कॉर्कॉइड आर्टरीज, और ये पल्मोनरी वाली जो है ये कहाँ पर निकल रही है। हमने क्यों बोला था कि ये राइट सिस्टमिक आर्क बना रही है, क्योंकि ये देखो ये मूव जो कर रही है ये राइट साइड में कर रही है, इधर राइट की हमने बात की है, तो ये किस लिए मूव कर रही है, राइट साइड में मूव कर रही है, इसकी वजह से हमने इसको बोला था राइट सिस्टमिक आर्क, ठीक है। लेफ्ट से निकल रही है, लेफ्ट से निकल रही है, लेकिन ये बना जा किस साइड में रही है, राइट साइड में जा रही है, और राइट साइड से पल्मोनरी वाली जो निकलती है ये किस साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। वैसे तो ये आगे जाकर के दोनों में ही जाएगी, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, लेकिन यहाँ पर हम इसको इसलिए कंसिडर नहीं करते लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, बट सिस्टमिक आर्क को हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये राइट साइड में जा रही है, ओके। तो यहाँ पर हमारा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके अरोटिक सिस्टम की, ओके, थैंक यू।